मेन बात तो यही है कि इसमें हमें मन को जानना है, उससे जो हम मन से ही सारा हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, उसी के हिसाब से हम प्रतिक्रिया करते हैं। मन इतना सूक्ष्म बन गया है हमारा समाधि लगने के बाद कि हम चीजों को बहुत एनालिसिस करके एक बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। जिस चीज से हम रिएक्शन करते हैं वो मायने ही नहीं रखता है। अल्टीमेटली हमारे चित्त की चेतना जैसी भी रहती है उसी हिसाब से हमारा शरीर ऑटोमेटिकली काम करता है, क्योंकि वो मन से संचालित होता है। मन ही पूर्वगामी है, ऐसा बहुत अच्छे से समझ में आया है। साधना करते करते एक जो जीवन जीने की कला है, जिसमें हम बाहर की दुनिया में और अपने आप से एक जो सामंजस्य बना के रखते हैं, उसमें हम अभी अनुभव कर रहे हैं। अभी हमारा रास्ता खुला है आगे जाने के लिए। जैसे भंते जी ने कल हमें बहुत अच्छा बताया कि धर्म हम कहते हैं वो संप्रदाय होता है, एक विचारधारा होती है। धर्म बेसिकली जो जीवन जीने की कला है, जो सब चाहे अच्छा हिंदू है तो वो अच्छा हिंदू एक अच्छा इंसान बने, कोई मुस्लिम है तो वो अच्छा मुस्लिम एक इंसान बने। धर्म तो एक विचारधारा है, एक संप्रदायवाद है। उसमें नहीं जाकर हमें जो हमें मानसिक सुख देता है, जो शारीरिक सुख देता है, जो हमें आपस में तालमेल बनाकर रहने की एक शिक्षा देता है, उसको हमने धारण किया है, उसी को जीवन जीने की कला। मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली, इतना लाभ हुआ है हमें। हर चीज को फील कर पा रहे हैं और सबके प्रति सद्भावना, मैत्री, मन से बिल्कुल शांत, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और आज हमारा मंगल मैत्री का दिवस है। पूरे शरीर में वेदनाएं हो रही हैं, एक प्रवाह चल रहा है जिससे हम सबको वो मंगल मैत्री प्रेषित कर सकते हैं, जिससे वातावरण भी एकदम सुखपूर्वक, आई थिंक आप सबको फील भी हो रहा होगा यहाँ पे कि कितना शांत है। एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे से कोऑपरेट कर, पूरे सदाचार का जीवन जीकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सबके लिए यही मंगल मैत्री है कि आप भी इस धर्म को अपनाएं और बुद्ध की शिक्षा को दिल से अपनाएं और उस पथ पर आगे अग्रसर हो। आप सबके लिए यही मंगल मैत्री है। आपका बहुत स्वागत चाहते हैं, परंतु सुराग द्वेष से कैसे निकलना है इसका सूत्र नहीं मिल रहा था, या उस साधना को कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा था। कोशिश में हूं मैं, करीब 1.5 साल से, 3-4 साल से तो इसी पाथ पे हूं, परंतु 1.5 साल से जाके अभी ऋषिकेश में कुछ समझ में आया कि जाना तो अष्टांग योग में ही पड़ेगा, पतंजलि का, तो उसमें जाके करना पड़ेगा जो भी साधना है वो। परंतु उस साधना को करने के बाद भी वो गहराई में नहीं जा पा रही थी मैं, कि इतनी सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है। कोई गुरु चाहिए था जो कि 1-to-1 गाइडेंस दे सके, क्योंकि अभी तक जितने भी गुरु आए हैं वो सब शिक्षा दे के चले गए हैं, परंतु हमारे अंदर जो चीजें चल रही है, संवेदनाएं चल रही है, जो एक्सपीरियंसेस हम अपनी लाइफ में ले रहे हैं, कर रहे हैं या हो रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अभी ये वाला मेरे, मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं ऋषिकेश से करीब 3.5 महीने पहले इधर आई थी मैं, और करीब 3.5 मंथ मेरा बहुत ऐसा था कि अभी मुझे वापस जाना है जितनी जल्दी हो सके। काफी लंबा टाइम हो गया, वहां मेरी साधना डिस्टर्ब हो रही है इधर, तो वहां जाके वापस शुरू करूंगी। फिर सडनली मुझे ये प्रोग्राम पता चला, हेमलता ने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया और रिक्वेस्ट किया कि दीदी एक बार ट्राई करिए आप।
तो मैं उसके कहने से मैं रुकी हूँ, आज दिल से धन्यवाद निकलता है उसके लिए कि इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर रुक पाई मैं। और जो साधना मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कैसे अपने अंदर जाना और कैसे इन कार्मिक अकाउंट्स को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो हमने कभी कुछ किया नहीं है और हमारे साथ होती ही रहती हैं वो चीज़ें, हमने कभी किसी को कुछ बोला नहीं परंतु वो पलट के हमारे पास आती हैं, तो समझ नहीं आता था कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, हम इसको कैसे इसको नलीफाई करें और कैसे इसको बैलेंस करें। वो सब चीज़ें यहाँ आने के बाद इतनी क्लैरिटी आई है उन सब चीज़ों में कि उसको कैसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारे इतने जन्मों के संस्कार हम एक जन्म में भी या हम कुछ घंटों में भी निकाल सकते हैं, कुछ दिनों की साधना में निकाल सकते हैं। एक समाधि होती है जो कि आपको कुछ मिनटों में मिल सकती है अगर आप उसको मन को चित्त को आपने एक साथ कर लिया तो वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उससे एक उम्मीद जगी है कि शायद एक ये जो मोक्ष का रास्ता है, अभी तक जितनी भी साधना की है उसमें जो मैंने पाया विपस्सना, ये हाईएस्ट लेवल का मेडिटेशन है। अगर आपको मोक्ष के रास्ते में जाना है या सुख और दुख के परे जाना है, निर्वाणा में जाना है, एनलाइटनमेंट में जाना है, तो आज मुझे ये समझ में आया कि विपस्सना के बिना हम दूसरा रास्ता किसी और रास्ते से नहीं जा पाएंगे। विपस्सना हमें करना ही पड़ेगा और विपस्सना मतलब सिर्फ तपस्या है ये, जो कि तप करना है अपने आप को ही, इसको हमारे बदले कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। तो बस हमें अपने अंदर उतर के हमें अपने अंदर ही झांकना है। और ये जो 15 दिन मौन के और बिना किसी को एक दूसरे को देखे बिना जो हम साधना करते हैं, ये मतलब पूरा आप किसी से कनेक्ट नहीं होते हो, आपकी बहुत सारी इंद्रियां बंद रहती हैं। जब बंद आंखों से आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको अपनी सच्चाई नजर आती है। हमें ये समझ में नहीं आता था, मैं बैठती थी दो दो ढाई ढाई घंटे 3 घंटे मेडिटेशन में, काफ़ी सालों से हूँ तो बैठती थी, परंतु जब बॉडी में पेन होता था तो वो टॉलरेट नहीं होता था और समझ नहीं आता था कि इतना पेन क्यों होता है। वो सब संस्कार यहाँ समझ में आए कि ये क्रोध का संस्कार है, ये ईर्ष्या का संस्कार है, ये इसका है, हमारे में कितने सारे राग और द्वेष हमारे अंदर हैं और उसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये जो विधि जो समझ में आई है इससे इतनी उम्मीद जगी है जिंदगी में कि लगता है कि अभी से ही मोक्ष मिल गया है। वो जो आ गई है अंदर में, जो खुशी आई है, सुख और शांति आई है, वो लगता है कि अभी तो रास्ता है, बहुत लंबा है। सबसे पहले मैं भंते जी को नमन करूंगा और आप सभी को भी प्रणाम। मैं आप सभी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। यहाँ आने से पहले मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो लाइफ में बहुत परेशानियाँ थी। जैसे इस चीज़ का डर हमेशा बना रहता था कि लाइफ में जो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जो हमारे पास है उसको छूटने का एक डर बना रहता था हमेशा ही अंदर। तो साधना करके मैंने ये जाना कि ये जो संस्कार होते हैं हमारे अंदर, ये संस्कार के कारण ही हमारे अंदर ये डर, भय और समस्याएं जो होती हैं ये इन्हीं के कारण ही आती हैं। तो अभी साधना करके मैंने पाया कि इन संस्कारों की जैसे ही निर्जरा होती है, मतलब ये संस्कार हमारे अंदर से जैसे ही जाते हैं, तो हमें परम सुख शांति का अनुभव होता है। और अगर ये संस्कार की जड़ें जड़ों से अगर ये निकल जाते हैं तो आप लाइफ में हमेशा एक प्रसन्न रह सकते हैं और सुख शांति का जीवन जी सकते हैं। तो ये मैंने यही पाया और इसके साथ साथ साधना भी की भंती जी के बताए हुए मार्ग पे। तो साधना से मुझे अभी यही लाभ हुआ, अभी तो भंती जी इतना अनुभव मुझे अभी हुआ साधना के लेके, और परम सुख शांति का अनुभव मुझे भी हुआ। जैसे कि भंती जी ने मैत्री भावना सिखाई, तो मैत्री भावना सिखाने से हम देखते हैं कि जैसे लाइफ में हर इंसान दुखी है, परेशान है भौतिक जीवन को लेके खासकर, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो इन इच्छाओं के कारण व्यक्ति ज्यादातर परेशान ही रहता है। तो इन इच्छाओं के प्रति हमारी आसक्ति ना हो, मींस अटैचमेंट ना हो, उस अटैचमेंट को भी हम इस साधना के द्वारा खत्म कर सकते हैं और सुख शांति की ओर जा सकते हैं और हमारे समाज में हम एक सामंजस्यता बना के रह सकते हैं और एक खुशी का वातावरण रह सकता है,
और हम आसानी से एक प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। भगवंत जी यही। वॉकिंग मेडिटेशन में स्टार्टिंग से मुझे जो बॉडी है वो मुझे, मैं सामान तो लगा ही नहीं कुछ उसमें, बॉडी में एक हमेशा से ऐसा लगता रहा कि ये कोई एक अलग एंटिटी है, या तो एक पैरासाइट है, एक एलियन बॉडी है, ऐसा कुछ दिखता रहा। मैं जैसा कुछ दिखा नहीं इसमें, और हमेशा से मन आगे चल रहा है। सबसे पहले मन में आता है कुछ भी चीज़, जो भी है वो सबसे पहले मन में आ रहा है ये पता चला, और उसी का जो भी चीज़ है वो बॉडी फॉलो करती है। और चलते वक्त भी कितनी भी देर में चल लूँ थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, और एकदम वायु, पूरा वायु पता चला बॉडी में। स्टार्टिंग में भले ही हार्ड फीलिंग्स रहती है, हार्ड पृथ्वी धातु दिखता है, कड़क कड़क लगता है थोड़ा, बट उसके बाद पूरा वायु समान लगने लगता है। उसके बाद खाने में, खाना वैसे तो था टेस्टी खाना था, नो ऑफेंस, बट मैं जब खा रहा था तब मुझे कुछ भी टेस्ट नहीं लगा। जब भी मैंने खाया है खाना, मुझे ऐसा लग रहा था कि एज इफ मैं कोई कार्डबोर्ड खा रहा हूँ, एकदम कुछ भी टेस्ट नहीं लगा। भले ही या कोई चटनी भी खाओ, कुछ भी खाओ, जैसे जबान पे रखता था ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाता था। मतलब मुझे पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता था उसको, ऑटोमेटिकली गायब हो जाता था। बस ऐसा लगता था कि ऑटोमेटिकली माउथ काम कर रहा है, काम कर रहा है। और इसीलिए जो भी कोई भी फेवरेट फूड्स थे उसमें भी कोई आसक्ति नहीं रही। और संक्रमण करते करते ही जो पता चला कि कोई भी मन में विचार आता है, कुछ भी आता है, तो बॉडी में सबसे पहले उसका असर दिखता है। जैसे क्रोध आएगा या फिर डर आएगा, तो बॉडी में एक अलग संवेदनाएं जगने लग जाती है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली गर्माहट बढ़ जाती है, सांसें फूलने लग जाती है, छाती बड़ी हो जाती है, और हम इसी को देखते 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 गए तो वो चली भी जाती है, गायब भी हो जाती है। और मेन बात यहाँ पर यह है कि वो ज्यादा समय रहती ही नहीं है, आते बराबर ही चली जाती है, बट अपन उसको पकड़ के रख लेते हैं। बट जब हमें देखते हैं तब पता चलता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, और सोते वक्त जो है, सोते वक्त बुद्धानुस्मृति ध्यान करते करते पेट देखते देखते सोते हैं, 2 घंटे में ही मेरी नींद पूरी हो जाती है, 2-2.5 घंटे ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे और अब क्या करूं मैं, फिर उठना पड़ता है, फिर ध्यान करना पड़ता है, पर 2 घंटे में ही फुल पूरी स्लीप कंप्लीट हो जाती है। और मैत्री करते वक्त ऐसा लगता है कि हाथ से, पैरों से, सर से, छाती से, ऐसा सामने से, हाथ यहाँ से, पूरी मैत्री बाहर निकल रही है, ये एरिया पूरा ठंडा हो जाता है। जब भी मैत्री करता हूँ मैं अपने गुरुओं को, तब सबको जब करता हूँ तब यहाँ से पूरा ठंडा हो जाता है और मैत्री बाहर निकलने लगती है। और हमेशा ऐसा लगता है कि मैत्री में ही रहो, मैत्री ही करते रहो सबके प्रति, मैत्री ही करते रहो सबके प्रति। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। सुना शील समाधि प्रज्ञा में क्या रहता है, तो मैं बस मुझे जो प्रज्ञा हुई मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि 15 दिनों में क्या क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो फर्स्ट डे जैसे बंती जी ने हमको कहा कि वेदना देखी अपने बॉडी में, हम जब सिटिंग करते तो हमको वेदना आती है, सुखद दुखद वेदनाएं आती है, तो उनको बस देखना है, जैसे एक वॉच टावर है समझ लीजिए हमारी बॉडी, तो ऊपर से बस मैं इसको देख रहा हूँ, उसको ये जानना है कि वेदना कैसे आ रही है जा रही है, बस उसको देखना है। फर्स्ट डे हमने उसको देखा, फिर भंती जी ने बोला कि वो वेदना हमारी नहीं है, यानी वो जो वेदना है उसको हमको भोगना नहीं है, बस देखना है। तो बाद में पता चला कि वो हमारे संस्कार, जो हम अब जितने जन्म से होते होते आए हैं वो हमारे संस्कार को निकलते हैं। तो फर्स्ट डे में मेरा ये हुआ है, और उसी दिन मेरी समाधि भी लग गई थी, उसी दिन मेरे हाथ और पैर लॉक हो गए थे। सेकेंड डे में फिर वेदना का जो जो चेंजेस चेंजेस होते हैं, जैसे अभी दुखद वेदना आती है वो कुछ देर अपने को पीड़ा देती है, बाद में वो सुखद वेदना आती है, उनका जो अनित्य है मतलब कांस्टेंट नहीं है, अभी सुखद है तो फिर दुखद होगी, उसके बाद असुखद और दुखद होती रहती है वेदना, कभी कभी तीनों एक साथ आती है अलग अलग बॉडी पार्ट में। यानी इसका मतलब है कि हम जो कहते हैं हमको खुद मैं, वो मय का जो स्वभाव है वो दिखता ही नहीं अपने इसमें, क्योंकि चेंजेस होता है कंटिन्यूस। तो वो एक चीज़ मुझे समझ में आई फर्स्ट डे। बाद में
मंत्री जी ने हमको और ही दूसरी साधना सिखाई थी जो चलने वाली साधना थी, उसे चंक्रमण कहते थे। तो उसमें भी एक बोध होता है कि हम चल रहे हैं या अपने मन से कोई और चल रहा है, वो एक बोध होता है जब आप साधना करोगे तो, यानी हवा हमको चला रही है क्या चला रहा है वो एक। फिर बाद में फिफ्थ सिक्स फिफ्थ डे डे में हमको, हम जब खाना खाते तो उसका हमको सती में खाना सिखाया था बंती जी ने। तो हम जब खाते हैं खाना तो हमको उसका टेस्ट आता ही जाता है, यानी एक क्षण में वो टेस्ट आता है फिर गायब हो जाता है। जो हम खाना इतने प्यार से खाते हैं, खाना लगता है कि नहीं वो खाना है, यानी वो खाना है ही नहीं, एकदम क्या खा रहे वो हमको समझ में आता है, हर एक का टेस्ट चेंजेस होता जाता है। फिर सिक्स डे में हम एक हृदय वत्व नाम का यहाँ पे पॉइंट होता है जो मेरा ओपन हुआ था उस दिन, तो वो पॉइंट सिक्स डे या सेवन डे में वो पॉइंट वाइब्रेट होके पीछे गया, और पीछे से जो आठ वाइब्रेशन पॉइंट्स होते हैं वो ओपन हुए थे सिक्स डे में मेरे। फिर सेवन डे में ये आठ सेंटर में आठ और सामने आठ, ऐसे 24 पॉइंट ओपन होके पूरे ब्रेन में गए थे यहाँ पे, वैसे ब्रेन पूरा खुलने को दिखता है, ऐसे ऐसे ब्रेन पूरा खुला है, हर एक स्किन ऐसे ओपन होती है लेयर। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ब्रेन के सेंटर में एक मिडलस रहता है, पॉइंट रहता है, उसमें जाके वो एनर्जी उनकी कंबाइन होती है। तो वो मेरा आठ नौ दिन तीन दिन चला। उसके बाद मुझे बॉडी का हर पार्ट कैसे बनता है, जैसे बेबी से पहले अपनी अतलिया कैसे बनती है, हार्ट कैसे बनता है, आग कैसे बनती है, कितने लेयर में बनती है, उसमें कौन कौन से धातु जमा होते हैं, वो सब मुझे वो तीन दिन सीखने को मिला। उसके बाद इलेवन डे में मुझे पता चला कि चित्त क्या रहता है। शाम की रात की बात है, तो जो पूरी एनर्जी आती है यूनिवर्स से वो एनर्जी कलेक्ट होती है यहाँ पे। उसके बाद बॉडी मेरी बॉडी मुझे बॉडी नहीं, एज अ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ना ऐसे दिखती है, और पार्टिकल में जो हमारे हार्ट से जो हमारी जो वेदनाएं आती है उसमें भी अगर मुझे क्रोध जागता है तो उसकी वेदना फीलिंग अलग होती है। समझ लीजिए मेरी बॉडी अगर कूल है पूरी ठंडी है तो वो वेदना अलग गर्म दिखती है, दिखती है कि वो वेदना अलग है करके, द्वेष की वेदना है। तो वैसा फिर बाद में मुझे पता चला कि बॉडी के हमारे पार्टिकल्स रहते जैसे नहीं क्या, मेरी पूरी बॉडी में से जैसे हम हमारी कोई पत्थर समझ लीजिए, वैसे पत्थर रहते, उसमें भी छोटे बड़े पत्थर रहते, उसमें पानी ऐड होता है, हर चीज़ें ऐड होकर हमारी बॉडी कैसे बनती है, यानी मैं का जो बोलता हूँ मैं हूँ मैं दिखता ही नहीं, तो वो हमेशा चेंजेस होता है, अनित्य है, जो मेन स्वभाव लक्षण है इसका साधना का, कि हम जो बोलते हैं कि मैं करके हम जो संस्कार बनाते वो मैंने जाना।